केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम बैक विथ वन मोर विंटर कलेक्शन एंड इट्स फ्रॉम मीशो. सब जानते हैं कि मीशो पे बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. मैंने एक ट्राई किया था और उसके बाद मैं एक के बाद मंगवाती ही गई. हियर आई एम. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल श्री के साथ. और आपको ये जान के खुशी होगी अगर आप एक मॉम नहीं है, इस बार श्री का सिर्फ एक ही आइटम है, बाकी सारे मेरे आइटम है. तो फर्स्ट इज दिस उसका विंटर नाइट ड्रेस. इसमें ऐसे कुछ हार्ट वाली डिजाइन बनी हुई है. ये इसका पैंट्स सेम ऐसी ही प्रिंट वाला, ऐसी और ऐसी वाली. पता नहीं आजकल इसे लोग हार्ट क्यों मानने लगे हैं. जिसे देखो वो ये ऐसे पोज करके खड़ा रह जाता है. ये एक आइटम की ही वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में इतना लेट हुआ. एक गलत आइटम जो मैंने मंगवाई थी वो 2-3 ईयर्स के लिए थी, बट उसमें जो प्रिंट थी वो आगे की साइड जो होनी चाहिए वो पीछे थी. लामा की प्रिंट थी और लामा उल्टे बने हुए थे आगे की साइड में और पीछे सीधे बने हुए थे. तो मैंने एक्सचेंज किया और फिर एक्सचेंज में ये आ गया और एक्सचेंज में ये कुछ अलग ही आ गया है. ये अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है एंड वॉर्म है. ये पहनने में बहुत ही मज़ा आए ऐसा है, बट मुझे वो प्रिंट ज़्यादा क्यूट लग रही है तो मैंने वापस से ये एक्सचेंज में डाला है और ये अब वापस जाएगा. देखते हैं कि जो मुझे चाहिए और जो एक्चुअल इमेज है वैसा आता है या नहीं. नेक्स्ट है दो नी सॉक्स या नी वार्मर्स इसको बोलते हैं. और ये था एक कॉम्बो. ये है एक स्किन कलर के नी कैप्स, नी वार्मर्स, एंड एक है ये ब्लैक कलर के. आप देख ही सकते हैं ये अंदर से ऐसा फ्लिस मटेरियल वाला वॉर्म वॉर्म सा है. इसकी ये इतनी लेंथ है और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है, ऐसे भी और ऐसे भी. फ्री साइज में आता है. एक अगर हम लेने जाएं तो ये 197 का है जो मैं पहले ऑर्डर करने वाली थी, बट बाद में मैंने ये कॉम्बो देख लिया और आई एम हैप्पी कि ये मैंने कॉम्बो देखा. तो ये कॉम्बो 337 में या ऐसे कुछ मिला है. ये मैंने मंगवाया है क्योंकि अगर कभी हमको ड्रेस पहननी है विंटर्स में, ट्रेंड में चल रहा है विंटर में ड्रेसेस पहनने का स्टाइल्स, तो ये मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया है. तो ये अगर हम ड्रेस के अंडरनीथ पहनेंगे तो शायद किसी को पता ना चले कि हमने कुछ पहना है. नेक्स्ट है वन मोर नाइट ड्रेस का कॉम्बो, एक ब्लैक कलर का और ये है एक ये ग्रे कलर का. फर्स्ट इज दिस ब्लैक कलर का एंड कलरफुल स्टार्स जिसमें बने हुए हैं. सेम उसका ये पैंट है. ये बहुत ही वॉर्म है, बहुत ही सॉफ्ट है, पैजामे में पॉकेट्स भी है, सो इट्स अ बोनस. एंड सेम ऐसा है ये यूनिकॉर्न वाला, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है. ये है इसका टॉप एंड इट इज उल्टा. दिस इज द टॉप एंड सेम ये भी है, बहुत ही सॉफ्ट. मुझे ये दोनों ही बहुत ही अच्छे लगे हैं. वो नी कैप्स के जैसे ही मैं ये एक ही ऑर्डर करने वाली थी, सिर्फ एक पैर 542 में. और सर्च करने के बाद मुझे ये कॉम्बो मिल गया. मैंने सोचा कि हम 800 या समथिंग ऐसे समथिंग कुछ में अगर दो ले सकते हैं तो व्हाई नॉट, सो दैट्स व्हाई दिस. इसकी सिर्फ एक ही मुझे कंप्लेन है, जो इसकी स्लीव्स है वो यहाँ तक आती है, यहाँ मतलब थोड़ी सी छोटी है, मतलब ऐसे होनी चाहिए. मुझे ऐसी पसंद है, बट ऐसी नहीं तो ऐसी तो होनी चाहिए थी, बट ये ऐसी है. यहाँ पे इलास्टिक है तो वो ऐसे बार बार ऊपर चढ़ जाती है. बस यही एक कंप्लेन है, बाकी इट्स 10/10, इट्स सो सॉफ्ट. नेक्स्ट है एक टॉप एंड बॉटम सेट जो शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार लिया है. ये है मेरे फेवरेट ओम्ब्रे में. मुझे टाई एंड डाई एंड ओम्ब्रे क्लोथ्स बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा. इसका भी सेम स्टोरी है. इसका भी मैंने ऐसे अलग से जैकेट और अलग से पैंट्स देखा हुआ था, जो दोनों अलग अलग का हम मिलाएं तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, बट ये हमें दोनों साथ में सस्ता पड़ रहा था, तो दैट्स व्हाई दिस. दिस इज द ब्लैक एंड वाइट ओम्ब्रे, नहीं बट वॉश्ड टाई एंड डाई टाइप जैकेट.
ये बहुत ही थिक मटेरियल का है आई मस्ट से। अब इसका वॉश करने के बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने वॉश नहीं किया है। शायद मैं थोड़ा सा डर भी रही हूँ कि इसका कलर फेड हो जाएगा या ये ब्लैक है ये वाइट पे आ जाए या कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सेम इसका ये जोगर्स पैंट्स है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जब आया था तो मैं बहुत ही मतलब कुछ श्योर नहीं थी कि ये जैसा है इमेज में वैसा आएगा या नहीं। इसका पैंट भी बहुत ही थिक सेम मटेरियल का है बट ये थोड़ा सा सी थ्रू है सो आई एम स्केर्ड। अब देखते हैं हम ये कब पहन पाते हैं। और इसमें नीचे भी ऐसा इलास्टिक बना हुआ है और यहाँ पे भी ऐसा इलास्टिक बना हुआ है। आई थिंक ये ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ईजी फंकी कूल सा लगेगा तो दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया है। आई डोंट नो मैं ट्रैवलिंग कब करने वाली हूँ और आई एम नॉट श्योर कि ये मैं ट्रैवलिंग में पहनने वाली भी हूँ या नहीं। बट ये हम अलग अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं, ये तो किसी के साथ भी हम जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं और ये भी बहुत ही अलग हम स्टाइल कर सकते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। ये मैंने जैकेट देखा था तो ये था सिर्फ 283 का, फिर भी मैं लेने वाली थी। ऐसा पैंट्स भी मैंने देखा हुआ था वो था 271 का। जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है तो मैं दोनों ही लेने वाली थी। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं एज अ पेयर करके पहन सकती हूँ बट लकीली मुझे ये दोनों साथ में ही मिल गए। इसमें आप देख पाएंगे कि बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है और मैं बहुत ही कन्फ्यूज थी कि मैं कौन सा कलर लूँ बट एंड में तो हमारा ब्लैक ही जीतता है तो फिर दैट्स व्हाई दिस। नेक्स्ट है इस हॉल की मेरी फेवरेट चीज़ और शायद मेरे विंटर कलेक्शन की मेरी फेवरेट चीज़ जो अब मैं हर दूसरे दिन पहने ही रहती हूँ। और आपने ये ऑलरेडी देखी भी हुई है मेरे ये फ्रंट बैंक्स वाले वीडियो में। ये जब मैंने वीडियो में पहना था तो मुझे बैंक्स के रिव्यूज़ या वो हेयर कट के लिए या आसपास भी कुछ के लिए मुझे एक रिव्यू नहीं मिला। एक रिव्यू, सारे मैसेज और सारे रिव्यूज़ थे जानने के लिए ये नाइट ड्रेस मैंने कहाँ से ली है। लेट मी शो यू। सो दिस इज द वूलन फर नाइट सूट फॉर वुमेन्स एंड इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। आई डोंट नो मैंने ये कलर क्यों सिलेक्ट किया। मैं ऐसी थोड़ी सी आलसी हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत आलसी हूँ तो मुझे ऐसे कुछ मेला हो जाए ये मैं सोच के थोड़े यू नो देसी थिंग्स, तो मैंने सोचा कि ये कम डर्टी होगा दैट्स वाई शायद दिस। दिस इज़ द टॉप एंड इट्स सुपर सॉफ्ट एंड सुपर कॉम्फी एंड सुपर वॉर्म। ये जब मैंने वीडियो के लिए पहना था तो तब मुझे लिटरली गर्मी होने लगी थी विंटर्स में, इतना ये वॉर्म है। सेम इसका ये पैंट्स हैं, सो सेम नथिंग पैंट में कुछ ज़्यादा बताने लायक, सेम मटेरियल का सेम पैंट। और ये है मेरा फेवरेट नाइट ड्रेस, मेरा फेवरेट विंटर स्टफ एंड आई डोंट नो इसके बारे में और मैं क्या बताऊँ। और इसी की लालच में मैंने ये जो पहना हुआ है ये मंगवाया है बट मुझे ये जो मैंने मंगवाया था इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे बट उसमें ब्लैक मैंने जब मंगवाया तब अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो अब ये अवेलेबल है या नहीं बट ये ब्लैक मैंने दूसरे में से ऑर्डर किया है और दोनों की प्राइस भी अलग अलग है। सो इसके मुकाबले ये थोड़ा सा थिन है और थोड़ा सा आई डोंट नो, अगर ये 10 out of 10 है तो इसको मैं दूंगी 10 में से 7 या 8। पता नहीं मुझे ऐसा हुआ था कि ब्लैक सबको इतना पसंद होता है तो ब्लैक में मतलब मेरा दिल आ जाएगा, मेरी मतलब मैं जान छिड़कूंगी बट ये हो गया है उल्टा, ये ही मेरा फेवरेट रहा है। ये पता नहीं क्यों अलग सा है या और मुझे थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूं बट फिर मैंने सोचा कि जाने दो अब कौन इतनी यू नो व्हाट आई मीन के कौन इतनी क्या करे, तो मैंने सोचा कि ये सब झमेले में हम नहीं पड़ते हैं और ये रख लेते हैं। सो ये है ब्लैक कलर का सेम ऐसा ही पूरा नाइट ड्रेस। ये भी मतलब वॉर्म है,
कोजी है, सॉफ्ट है, बट इसके मुकाबले में नहीं आता है. सो दिस इज़ द नंबर वन एंड दिस इज़ नंबर टू. मेरे फेवरेट में भी ये नंबर वन है और ये नंबर टू है, बाकी सब बाद में आते हैं. दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मैंने इस बार बहुत ही ट्राई करी है मैं फटाफट से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, बीच में मेरी बकबक आ जाती है जैसे मैंने पहले भी कहा है. वो ये मैंने फटाफट से ऐसे दिमाग में बहुत कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए जो मन में आया वो बोल दिया है कि आप लंबा वीडियो देख के कहीं भाग ना जाए और फिर आप लौट के यही आ जाए, ये मेरी बात सुनने के लिए कि कहीं मत जाना जाना क्योंकि लौट के यही है आना. यू टेक केयर, लव यू, गुड बाय एंड